कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस हम बहुत सारी डेजर्ट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये मार्केट में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही सस्ते में और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे अपने घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसे चॉकलेट सॉस जैसा ही है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। इससे पहले भी मैंने एक चॉकलेट सॉस की वीडियो अपलोड की है जहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड और कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। तब बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि मैं बिना कॉर्नफ्लावर के और डार्क चॉकलेट कंपाउंड के इसे बनाना बताऊँ, तो आज मैं वही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चॉकलेट सॉस बनाना। सबसे पहले जिस पैन में हमें इसे बनाना है उसको लेंगे। अभी मैंने पैन को फ्लेम पे नहीं रखा है क्योंकि सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। यहाँ कप में मैंने 3/4 कप चीनी ली है और मैंने चीनी को भी पीस के यूज़ नहीं किया है, शुगर ग्रैनुअल्स ही यूज़ कर रही हूँ। तो 3/4 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। यहाँ मैं हर्शीज़ ब्रांड का कोको पाउडर ले रही हूँ। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे। आज मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है इसको बनाने का, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप 3/4 कप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। यानी कोको पाउडर और पानी की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है और चीनी हमने 3/4 कप ली है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। इसे ऐड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है इसलिए हम वनीला एसेंस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं, हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसे बनने में 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको मीडियम पे रखनी है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो ये जल सकता है। ये देखिए, अभी 1 मिनट ही हुआ है और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इसे अभी हमें और पकाना है। अगर आप डायरेक्टली फ्लेम पे रख के ही सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो कई बार उसमें लम्स आ जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को हमें छानना पड़ता है। इसलिए हमने बिना फ्लेम ऑन किए पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद हमने इसे फ्लेम पे पकाया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर ऐड करने से इसमें शाइनिंग आ जाती है और इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। साइड्स को इस तरह से स्क्रेप आउट करते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे जिससे ये जले नहीं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे, तो इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहें। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है, इसमें बबल्स आ रहे हैं और इस तरह से अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें तो ये पैन में नीचे लग भी नहीं रहा है। या फिर आप इस तरह से स्पैचुला पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को एकदम ऑफ कर देंगे और उसके बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन नीचे से गर्म है तो ये जल सकता है। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से लगातार आप चलाते रहें। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी पतला है क्योंकि ये गर्म है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरह की अभी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। चॉकलेट सॉस अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, एकदम बाजार जैसी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। और अभी मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा है, तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं इसको एक ग्लास में कर लेती हूँ और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट सॉस बना है, बहुत अच्छी इसमें शाइन आई है। तो हमारा चॉकलेट सॉस बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और आप इसे किसी भी बॉटल में भर के कितने भी टाइम तक के लिए अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।